समाज में दैनिक घटित होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत करने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है। मीडिया की प्रस्तुति शांति और सौहार्द बनाने से लेकर तनाव उत्पन्न करने में आईने का काम करता है, लेकिन इसे सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि समाज में द्वेष और अशांति का माहौल न बने। समाज में दैनिक घटित होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत करने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है। मीडिया की प्रस्तुति शांति और सौहार्द बनाने से लेकर तनाव उत्पन्न करने में आईने का काम करता है, लेकिन इसे सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि समाज में देश और अशांति का माहौल न बने। हालांकि मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक दौर में असूलों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चुनौती है। इस बात का खुलासा प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय माउंट आबू के मीडिया प्रमुख बीके गंगाधर ने शिमला जिले के ज्यूरी में एक सम्मेलन के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जो शक्ति दी है उसका सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने बताया, मन को विचलित होने से रोकना है और कुछ समय ऐसे संतों और सदगुरुओं के सानिध्य में मेडिटेशन के लिए गुजारें जिससे मन को साफ कर श्रेष्ठ दिशा में ले जाया जा सके। गंगाधर ने बताया कि प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में हर साल 2 सम्मेलनों का आयोजन करता है जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। इस बार दूसरा सम्मेलन 20 सितम्बर से आयोजित किया जा रहा है जिसमें 3000 मीडिया कर्मी देश के विभिन्न हिस्सों से हिस्सा लेंगे। उन्हें ये बताया जाता है कि जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं उसका सामना करें। बीके गंगाधर मीडिया प्रमुख प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने बताया कि हमें अपनी लेखनी को विवेक और असूलों के साथ प्रयोग करना होगा। कलम सकारात्मक सोच के साथ चलाते हैं जो मंगलमय और कल्याणकारी होगा। अगर नकारात्मक दृष्टि को लेकर आगे बढ़े तो वातावरण और माहौल बिगड़ेगा। हम लोग तो पहले तो ये सांप्रदायिक का मतलब है, हम धर्म की दीवारें बनाते हैं, हम ये धर्म के वो धर्म के, ये सारी चीजें आडम, हमने धर्म को आडम्बर का रूप दे दिया है। धर्म कोई ये नहीं सिखाता कि ये करो। हाँ, अपने अपने जो परंपरा है वो अपने आप डेवलप रखो, लेकिन हम सबसे धर्म से पहले हम ह्यूमन बीइंग है, हम मानवता का धर्म है। दूसरा कि हम जब हमारे यहाँ बहुत सुंदर कंसेप्ट है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये कंसेप्ट को लेके चलते हैं। वो हम सबका मालिक एक है, उनके हम बच्चे हैं और आपस में किसी ने कहाँ जन्म लिया किसी ने कहाँ जन्म लिया, लेकिन हम सब उसके बच्चे और हम सब शांति चाहते हैं। तो हम दीवार